हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका बसु चैनल से आज आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बिना हम आप ये संसार मान लो सृष्टि ही नहीं चलेगी। हाँ जी, औरत स्त्री सृष्टि की जन्मदाता, हमारी आपकी जन्मदाता एक औरत। औरत के बारे में मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ। हम औरतें कभी कभी इतनी हसास निराश हो जाती हैं कि हम अपने आप को कम समझने लगते हैं, जो कि हमको कभी नहीं समझना चाहिए। हमको लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, बस हमारी सृष्टि इस परिवार में ही सीमित हो गई है, जो कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बिना सृष्टि ही नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं। अपने आप को हम कभी कमज़ोर ना समझें। जो औरत एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि इतने भारी दर्द से गुजरती है, औरत कमज़ोर कैसे हो सकती है? माँ सोचिए, कैसे हो सकती है? किसी मायने में वो कमज़ोर नहीं है, बस उसकी भावनाएं जब ठेस आहत होती हैं, ठेस पहुँचती है उनकी भावनाओं को, तब उनको लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता। लेकिन गलत है, हमें प्रोत्साहन के आगे भागना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला हमें प्रोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन हमको अपने आप को प्रोत्साहित करना है। हमको अपने आप को हमेशा ये कहना है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि आज की नारियाँ क्या नहीं कर रही हैं। जहाज़ नहीं उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में नहीं जा रही हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं, राष्ट्रपति नहीं हुई, क्या नहीं हुई आज की महिलाएं। तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? सोचिए, कैसे हो सकते हैं हम कमज़ोर? हम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हैं, और हमें अपने आप को कमज़ोर समझना भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने आगे जनरेशन को बढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है। अगर हम कमज़ोर महसूस करेंगे तो हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे, हमारे लड़के, वो भी तो कहेंगे मम्मा ये करती नहीं है, मम्मा बहुत कमज़ोर है, मम्मा बहुत डरती है। तो उनको भी तो लगेगा कि हाँ, मेरी माँ बहुत कमज़ोर महसूस करती है। इसलिए हमें भी एक हमेशा उनके लिए उदाहरण बनना, एग्जाम्पल सेट करना है कि ना ही बेटा, नहीं बच्चे, नहीं मेरी बेटी, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो। माताएं, बहनें कभी कमज़ोर नहीं होती हैं, कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती। और हमको अपने आप को सीमित करके नहीं रखना है। ठीक है, हमारा परिवार है, हमको अपना परिवार चलाना है, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा परिवार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर भी हमको अपना सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। हम कुछ ना कुछ करके अपने सेल्फ को साबित करें कि हाँ, हम भी कुछ हैं। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम करके अपने सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। जैसे हम, अगर ब्यूटिशियन हमको आती है तो हम घर में ही छोटा सा पार्लर खोल के अपने आप को बिजी रख सकते हैं, बाहरी आडंबरों से दूर रख सकते हैं। बाहरी में इतनी कुरीतियाँ हैं, इतनी आडंबर हैं, इतना दिखावा है, उनसे हम दूर रख सकते हैं। बस अपने आप में हम सीमित रहें, अपने आप को हम बिजी रखें, तो हम बाहरी दिखावे से हमेशा दूर रहेंगे। और ब्यूटिशियन हुआ, टिफ़िन सर्विस हुई, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, बुटीक वगैरह, जो हम सिलाई बिनाई बुटीक, जो हम घर में रह के भी कर सकते हैं, इनसे हमसे अपने सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। हमको मजबूती मिलेगी, हमको एक लगेगा कि हाँ, मैं अपने दम पे पैसे कमा रही हूँ। ठीक है, और पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, अपने आप को साबित करना ज़रूरी है। क्योंकि कल को हमको ये ना कहे कि आप कमज़ोर हैं, आपने ये नहीं किया। ठीक है, हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हम पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ सकते हैं। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर ही बन सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने सेल्फ को साबित करने के लिए कर सकते हैं और करते हैं। बहुत सारी लोग करती हैं, बहुत सारी महिलाएँ करती हैं, उनसे हमको सीख लेनी चाहिए कि हाँ, उनसे हमको सीख लेके हमको अपने आप को भी उसी रूप में ढालना पड़ेगा। और करना ज़रूरी है, सभी सुनिए, करना ज़रूरी है, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक जीवन को जन्म देते हैं, तो हम कमज़ोर कैसे हैं? हम कमज़ोर तो कभी नहीं हो सकते, इसलिए हमको अपने आप को साबित करना चाहिए और करना ज़रूरी है, क्योंकि अगला
अगली पीढ़ी चाहे अगला कोई भी शख्स, ये कहे कि ना महिलाएं बहुत कमज़ोर होती हैं। कैसे कमज़ोर हो सकती हैं, किस चीज़ में महिलाएं कमज़ोर हैं? हम अगर हम अपने आप को ही कहेंगे कि हम कमज़ोर हैं तो अगला तो हमको कहेगा ही कहेगा। इसलिए सबसे पहले हमको अपने आप को साबित करना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, करेंगे सभी महिलाएं। जो भी हम जिस परिस्थिति में हैं, मानो हम बहुत बड़े घर के नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, हम कोई व्यवसाय ऐसा नहीं कर सकते जिसमें पूंजी लगे, हम छोटी पूंजी से भी काम शुरू कर सकते हैं। सिलाई बिनाई का काम शुरू कर सकते हैं आप, एक सिलाई बिनाई का काम लो, एक लो, एक से दस होंगे, एक से बीस होंगे, ऐसे हमारी व्यवसाय बढ़ते रहेंगे। बूटी खोली, आप नहीं है बहुत सारी पूंजी हमारे पास नहीं है, तो छोटी पूंजी में खोलिए, दो आएंगे, चार आएंगे ग्राहक, इससे हमारी पूंजी बढ़ेगी और फिर जो उसके बाद हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमें किसी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हम नहीं पढ़ा सकते, हम बड़े क्लास को नहीं, हम टीचर हैं, इतने एजुकेटेड नहीं हैं, अगर तो हम छोटे क्लास को पढ़ाएं, छोटी छोटी चीज़ें करें जिससे हम अपने हुनर को, अपने कला को प्रदर्शित कर सकें और हम अपने आप को कमज़ोर ना साबित करें। आपके पास कुछ भी हुनर है, बोलने की हुनर है, खाना बनाने का हुनर है, डांस का हुनर है, तो आप कहीं भी पीछे नहीं हैं, कभी भी पीछे नहीं रह सकते और पीछे रहना भी नहीं चाहिए। क्यों हम पीछे रहें, हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं? नहीं, हम कभी कमज़ोर नहीं हो सकते, इसलिए हमको अपने आप को साबित करना ज़रूरी है। आज की नारियाँ बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, कल की भी नारियाँ आगे होंगी, इसी नाते हमको मजबूत होना है, हमको अपने बच्चों के लिए होना है, ठीक है, अपने आप के लिए भी होना है, अपने बच्चों के लिए, और इस नाते आप होंगी, मैं एकदम कह सकती हूँ कि आप अपने बच्चों की वजह से मजबूत होना पड़ेगा, होंगी, क्योंकि अपने लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को कदम से कदम मिला के चलाना पड़ेगा, उनको कभी पीछे नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं अगर हम वो नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे करें। ये सबके मन में भावना होती है, हर माँ के मन में भावना होती है कि जो हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे करें, और हमसे तेज, हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत हमारे बच्चे बने, और हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारी बच्चियाँ मजबूत नहीं होंगी, इसलिए हमको अपने बच्चियों के लिए मजबूत होना पड़ेगा। प्लीज़ होइए, अगर आप थोड़ी सी भी लगता है कि आपको मन में थोड़ी सी भी ऐसी भावना आए कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसा बाहर नहीं रह सकती, मैं अकेले नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले आप कदम तो बढ़ाइए, पहले आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए तो अपने आप आपको शाबाशी अपने आप को मिलेगी, हाँ मैं कर सकती हूँ, आपको एक खुशी मिलेगी, हाँ वाकई मैं कर सकती हूँ। इसलिए ये कभी मत सोचिए, प्लीज़ 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 कभी मत सोचिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कभी मत सोचिए। और ना अपने बच्चियों को साबित करिए कि आप कमज़ोर हैं, आप अगर आप हर चीज़ में आगे रहेंगे तो बिना कहे आपकी बच्चियाँ आगे करेंगी, आपके बच्चे आगे रहेंगे बिना आपको सिखाए। बच्चों में क्वालिटी होती है, जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो आपसे वो सीखेंगे कि कितनी मजबूती से हर परिस्थिति को डील करना है, जो भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खुशी, दर्द, जो भी हमको मिले, हमको मजबूती से उसको डील करनी है, हमको पीछे नहीं हटनी है, और फिर उस कठिनाइयाँ आने के बाद हमको कमज़ोर नहीं साबित करना रहे, हम कमज़ोर ना पड़े, हम उसको मजबूती से डील करें, यही हमको बच्चों से सिखानी है। बच्चों के आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, तो अगर हम भागने लगे कठिनाइयों से, हमारे बच्चे भी भागेंगे। इसलिए सभी महिलाओं से अनुरोध है कि अपने आप को कमज़ोर ना बनाएं और ना अपने बच्चों को बनने दें। अब मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूंगी, मैं प्रियंका, प्रियंका बसु चैनल से, आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी, हर महिलाएं, हर नारी, हर बेटियां बहुत 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 मजबूत बने और हर परिस्थिति में डट के सामना करें। इसलिए मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। नमस्कार।